पवन और वरदान कहाँ हैं? दोनों के दोनों दिखाई नहीं दे रहे मुझे। देवांशी, देवांशी, मारी घुंगरू वाली मई देवाच वापस आ गए। कांसी, तू जिंदा होके वापस आ गए बेटा। मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा बेटा, मैं पागल हो जाऊंगा। अरे पता से जब से वरदान ने मन्नी यो खबर दी है देवांशी जिंदा से और वापस आ रही से, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा बेटा। पर वरदान कहाँ से? वो तेरे साथ नहीं है? योग्य हो रहा से यहाँ पर सवाल तो कुसुम सुंदरी के बारे में करना चाहिए सब में, तो चाचा जी वरदान के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? दीवान से जब वरदान ने मन्ने बताया कि वो तन्ने ले क्या आ रहा है, मन्ने उससे किया कि दीवान सिंह ने अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए जो कि पिछली बार नहीं मिला था। देख दीवान से, अगर तू बेगुनाह है तो सबके सामने साबित कर दे, हम तन्ने माफ कर दे। सब मन्ने ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप सबके सामने इस कुसुम सुंदरी की सच्चाई नहीं आई के? मन्ने खुद इसके मुंह से उगलवाई से। मैं आप सबने कुछ पूछ रही हूं, यो जो लाउडस्पीकर में इसकी आवाज सुनाई ना दी आप सबने, कुसुम सुंदरी ने खुद अपनी सारी सच्चाई अपने मुंह से उगली से। कैसे शिखर के साथ जोड़ के मन्ने बदनाम करने की कोशिश करी? शिखर, वो शिखर के नाम से उसको जाली चिट्ठी भिजवाई, उन दोनों के साथ में भागने की जाली टिकट करवाई ताकि सबने लगे कि दोनों के आपस में चक्कर चल रहा है, एक लड़की दो दो चक्कर। कैसे वरदान ने नशीली दवाई पिला दी ताकि हमारे बीच के सारे पलों ने वो भूल जाए? वरदान वो ऐसी दवाई पिलाई थी कि देवांशी के साथ जो उसने रात बिताई थी दोनों नाम उसमें वो भूल गया। कैसे बाऊजी ने वरदान के सामने झूठ बोलने पर मजबूर करया, बाऊजी ने मार डाला। अरे बड़ा काम होने के बाद उस बुट्टे ने ऊपर पहुंचा दिया। मैं आप सबने कुछ पूछ रही हूँ, इसकी इसकी सच्चाई आप सबने सुनाई नहीं दी। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? और वरदान का है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब असली मुजरिम को मेरे प्लान का पता चल गया और उसने जानबूझ के मुझे यहाँ भेज दिया कल्कि जी से दूर, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। इस वक्त तो कल्कि जी देवांशी बन के मंदिर जा रही होंगी। देवांशी ने तो खो चुका हूँ, लेकिन कल्कि जी को कुछ नहीं होने दूंगा, अन्य कल्कि जी को बचाना होगा।
कैसे तू? मेरा नाम लेकर झूठ क्यों बोल रही सर? जब वरदान ने मन ने बताया कि तू जिंदा सर वापस आने से सबसे पहले मैं थी जिसने बोला कि हो सके ऐसा कि हमसे कोई गलती बलती हो गई हो, तो तन्ने तेरी बेगुनाही साबित करने का मौका देना चाहिए। मन ने क्या पता था कि वो छोरी वापस आके मेरे पे इल्जाम लगा लेगी, झूठ बोलेगी। झूठा इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, यही तेरी असलियत है कुसुम सुंदरी। क्यों से क्या बात करी से? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन से गुनाहों की बात कर रही से तू? हमने तो कभी कोई गुनाह की बात नहीं सुनी। मैं बताती हूँ क्या क्या था मैडम। कैसे हो सके? एकदम सही वक्त पे साथ दिया आपने मेरा पप्पू जी। कल उस कल्की की सच्चाई बताकर आपने बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा लिया मन्ने। कि कल्की देवांशी से और उसका के प्लान से यो बताकर आपने बहुत बढ़िया एहसान कर यहां से मेरी जिंदगी में। अरे मन्ने समझ आ गया सर, इब तू वो शिखर के साथ मिलके कौन सा नया नाटक करने वाली सर? शिखर मर चुका से चाची जी। शिखर उसी दिन मर गया था जिस दिन वो ज्वालापुरी से अपने घर जाने के वास्ते निकला था। शिखर के नाम की चिट्ठी, मेरी और शिखर की टिकट्स, हम दोनों का नाजायज रिश्ता, सब झूठा। कुसुम सुंदरी, मोहन और मेनका की साजिश थी मेरे खिलाफ। इन तीनों ने मिलकर मन्ने मारने का प्लान बनाया था। तन्ने के लगा कि वरदान ने सच्चाई का पता नहीं चलेगा। वरदान ने सच का पता चल चुका से कि कैसे कैसे शिखर का नाम मेरे साथ जोड़ के मन्ने बदनाम करने की कोशिश की गई थी। मन्ने नहीं पता ये लाउडस्पीकर में थारी आवाज क्यों सुनाई ना दी, पर इसका मतलब यो ना से कि तू बच जावेगी, तेरी असलियत सामने आवेगी। मैं खुद तेरी असलियत सबके सामने लेकर आऊंगी। आखिर इसी पल का तो इंतजार कर रहा था मन्ने कि कब तेरी सच्चाई ने पूरी दुनिया के सामने लेकर आओ। इन गांव वालों ने तेरा असली चेहरा दिखाओ। कब उस हर इंसान से बदला लूं जिसने मन्ने बदनाम करने की कोशिश की, मन्ने मारने की कोशिश की और जिसकी वजह से मन्ने मेरा बच्चा खोया। चाचा जी, खाई से गिरने के बाद मैं तो बच गई, मेरे बच्चे ने कुछ हुआ तो नहीं ना? बोलिए ना। I'm sorry, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। पर अपने बच्चे को खो दिया मन्ने। और इसीलिए यहां अपने बच्चे की मौत का बदला लेने आई हूं मैं। एक मां होने के नाते तेरा दर्द समझ सकूं मैं, लेकिन तेरे बच्चे की मौत के जिम्मेदार हमड़ा से तू खुद से, तेरी लापरवाही और बदमाशी की वजह से मरा सा तेरा बच्चा। बस भी वो कौन सा बरदान का बच्चा था? पाप था पाप, तेरे और शिखर की नाजायज औलाद। कसम से जान से मार दूंगी मैं तन्ने, जान से मार दूंगी। जब से यहाँ पर आई हूँ तब से यही सोच रही हूँ कि तन्ने मार के तरफ किस्सा खत्म कर दूँ, पर नहीं। छोड़ दे इसे। इधर आ। पर ये देख रही है ना जो गांव वाले, सबने तेरी असलियत दिखाना चाहती थी,
के बोल रही थी देवांशी, जब चाहिए तब से मतलब के है, अभी अभी तो आई है वापिस। नहीं चाचा जी, वापस तो बहुत पहले आ गई थी मैं। कल्की बनके गिरने के बाद पवन ने मेरी जान बचाई, मैंने खड़े होने लायक बनाया, बदला लेने के लिए तैयार किया। पर पवन है कहां पर? हमारे साथ धोखा किया है पवन बख्शी को, डबल क्रॉस किया तुमने। अब मैं तुमने बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। मन ने अवतार लिया था तुम लोगों ने सबक सिखाने के वास्ते, जैसे भगवान कृष्ण हर युग में नए नए जन्म लेते हैं ना पापियों का विनाश करने के लिए, बिल्कुल वैसे मैं तो नास्तिक हो गई हूँ। भगवान से मेरा विश्वास उठ चुका से पर क्या करूं, आप लोगों ने यही भाषा तो समझ में आती है, तो इसीलिए आपकी ही भाषा में समझा रही हूँ। देखो जरा कौन भाषण दे रहा, सर देखो तो सही। फिर खाई से गलत गिर गई थी तू, तन्ने तो जान से मार देना चाहिए था। ये मोसे देख रहे इसने, इसने कहवे फूटी किस्मत। एक मिनट आप सबने दिखाऊं मैं। अब देख लो ये सारे अखबार में साफ लिख गया से कि काल की सांप मर चुकी से। देख ले बुप्पी भाई, और ये ले बुप्पी भाई तू देख। देखा मैंने, देखा यो देख लो, यो काल की सांप उसी दिन मर गई जिस दिन ये छोरी हमारे घर में आई। ठीक एक महीने बाद यो छोरी ने है ना, कैसे पता चढ़िया कि यो काल की सांप कौन से किधर रही से? तो सीधी सीधी बात यो से भाई के यो छोरी ने बड़ी चलाकी के साथ काल की साने कर दिया फिनिश, और उसकी दौलत और पहचान दोनों छीन ली इसने। झूठ है ये सब कुछ, झूठ है, झूठ है ये सब। मोहन और कुसुम सुंदरी की चाल से मेरे खिलाफ हंसाना चाहते हो ना तुम दोनों मने फिर से, पर मैं ऐसा कभी ना होने दूंगी।
सबूत ने फाड़ के अपना सच छुपा नहीं सकती सा तू, क्योंकि यो सबूत से तेरे गुनाहों का तूने कलकी बनके भेस बदल के हम सबने बेवकूफ बनाया, मैया का अपमान करिया, खूनी से तू खूनी, और तेरे आदमियों ने मेरे सामने अपना मुंह खोल दिया सह, कलकी के भेस में यहां पर रहकर मैया की मूर्ति का अपमान करिया, मंदिर तोड़वाया, मूर्ति गायब करवाई, ज्वालापुरी जैसी पवित्र धरती पर रह के गुनाह करिया, यो धरती कभी भी मंजूर नहीं करेगी। और क्या कह रही से तू? बेगुनाह से तू साबित करके दिखा, कहां से पवन है? पवन भी गायब से, इसके पीछे इसी का हाथ होगा। तू चाहती है ना कि मैं साबित करूं? ठीक है, अब सब इसकी बात पे भरोसा मत करना, मैं साबित करूंगी कि मैं बेकसूर हूं। अरे जा कहां रही से, तने के लगता से इतनी आसानी से जाने देंगे? कैसे साबित करेगी तू खूनी ना से, कैसे यकीन दिलाएगी सबने कि तने माफ कर दे? बोल, आज तेरा बचना मुश्किल से दे बंसी, क्योंकि ज्वाला पुलिस से खूनी ऐसा नहीं जा सकता। अरे इसने तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, कानून इसके कर्मों की सजा जरूर देवेगा इसने। मैं पुलिस के पास जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं बेकसूर हूं। पुलिस और कानून तो बाद में इसने सजा देवेंगे, उससे पहले सजा देवेगी मैया, क्योंकि इस छोरी ने मैया का अपमान करिया से, कलकी के भेस में मैया की मूर्ति यहां से हटवाई से, इसलिए इसका फैसला भी मैया करेगी। अब तो अपमान का बदला अपमान से लिया जाएगा, मैया के अपमान का बदला मैया के सामने लिया जाएगा, नहीं तो मैया हम सबसे नाराज हो जाएगी। मैं जानू कि आप सब मन में माता नहीं मानते, लेकिन फिर भी आज मैं थम सब की तरफ से यह फैसला लेना चाहूं हूं, क्योंकि इतने साल मन ने ज्वालापुरी ने संभाला से, तो इतना हक तुम्हारा बने है, और मैं यो नहीं चाहती कि ज्वालापुरी में नास्तिकता की ऐसी बीमारी फैले। मोहन, इसलिए आप सबके सामने यह ऐलान करना चाहती हूं, आज इस मंदिर में आप सबके सामने मैया के अपमान का बदला अपमान से लिया जाएगा, इस छोरी का वस्त्र हरण कर लिया जाएगा। सुंदरी वाह, तू कोई माता वाता तो सह नहीं, फिर यो फैसला कैसे सुना दिया तन्ने? हाँ, कौन से हक से यो फैसला सुना रही है सबके सामने? मैं कोई द्रौपदी ना हूं जिसने भरी सभा में सबके सामने अपमान का घूंट पी लिया। वस्त्र हरण तो दूर, किसी ने खुद को छूने भी ना दूंगी। आप सब ऐसे ही गूंगे बने खड़े रहेंगे के? अरे अपनी आवाज ना उठाएंगे संन्याय के खिलाफ? याद रखना आप लोग, जो हाल हस्तिनापुर का होया था ना, वही हाल ज्वालापुरी का होवेगा। वो लोग द्रौपदी के चीर हरण के बखत चुप थे, इसीलिए उनका विनाश होया। अगर आज आप लोग चुप रहे तो आपका भी विनाश निश्चित से। भाभी मां, यो गलत हो रहा है भाभी मां, हम भगवान के लिए। बीच में मत बोल पप्पी,
मंदिर की करता धरता मैं हूँ, फैसला भी मैं ही लूंगी। यो खूनी से इसने मैया का अपमान करिया से। मन्ने तू एक बात समझा कि तू तो नास्तिक से, पहले तेरी जान बचाने के वास्ते कोई नहीं आया, तो इब मैं जरा देखू कौन आए तन्ने बचाने। भाभी माँ छोड़ दो, भाभी माँ बोलो ना इसलिए मोहन ने।